अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से ही होंगे और बेफुजूल में घर के बाहर नहीं निकले होंगे। तो चलो आगे के काम पे चलते हैं। नॉर्मली अभी आज के तारीख में मतलब लोगों फार्म पे एक नॉर्मल सी बीमारियाँ होती है, क्योंकि क्लाइमेटाइजेशन कभी भी ठंडी जाती है, कभी भी गर्म होता है, तो उसका इफेक्ट है। तो बकरा खर खर आवाज़ करता है, सीने मतलब सीने में कफ हो जाता है और नाक से पानी आना चालू हो जाता है, तो एक सर्दी की अलामत होती है वो। तो उसके लिए आपका इलाज है ये मोनोसेफ 1 ml देना है उसको। मोनोसेफ इसका डिस्क्रिप्शन बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ट्राइबीवेट 4 से 5 ml देना है एज पर वेट। 50 kg एंड अबाव है तो 5 ml, उसके नीचे है तो 2.5-3 ml। बायरोसिन 4 ml, वही है वेट के हिसाब से। अगर वेट ये 50 kg के ऊपर के बकरों का मैं आपको बता रहा हूँ, मोनोसेफ 50 kg के ऊपर हो या नीचे हो, वो एक ही डब्बी आती है 1 ml की, वही देना है। मेलोनेक्स ये डिपेंड्स ऑन वेट है, ये भी तो डिपेंड्स ऑन वेट है, ये 5 से 8 ml तक है या उसके नीचे भी है। तो जो बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं मतलब 25-30 kg के, तो उसको 2-3 ml ही दो तो मेलोनेक्स वो अच्छा रहेगा। डेक्सा ये एक तरह का स्टेरॉइड है, ये इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, बहुत सारी बातें करनी है दवाई के बारे में। डेक्सा 2 ml देना है क्योंकि ये स्किन डिजीज रोकता है, एलर्जी जो होती है उसको स्टॉप करता है। मोनोसेफ का काम ये है तो ये वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया ये स्टॉप कर देता है, बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है। दूसरा, अगर नाक में से पानी आ रहा है तो ये एट्रोपाइन ये 2 ml देना है, अगर नाक में से पानी आ रहा है। मैं ये सब लिख के पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हूँ और वो देख के मैंने पूरा पढ़ के, क्योंकि ताकि ना इत्तेफाकी ना हो और कुछ गलत फहमी ना हो लोगों से, तो मैं पूरा हर चीज़ को पढ़ता हूँ, जाँचता हूँ, करता हूँ। दवाइयों की डिस्क्रिप्शन भी ये पूरा ये लिख के फिर आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों के जानवर सेफ रहे और आप सेफ रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सेफ रहने के लिए आपको घर में रहना पड़ेगा, बेफिजुल में बाहर मत निकले। आपके आदमियों को ये दवाई अगर आपके यहाँ पर है तो दवाई का नहीं है तो आप उसकी फैसिलिटी कराते हो, फ़ोन के ऊपर से डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे को बेझिझक कॉल करें, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन जो नॉलेज है मैं आपको बताऊँगा, नहीं है तो मैं मेरे डॉक्टर से पूछ के आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों के जानवर भी सही सलामत रहे और आपको सही सलामत रहने के लिए घर में रहना पड़ेगा। बेफिजुल में बाहर निकल के कुछ बीमारी घर पे मत लेके आइए। बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फरमा बता बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। और ये बात ज़रूर याद रखना, किसी का पेट काट के अपना पेट भरना अच्छी बात नहीं है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।